हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और कोई काम नहीं था, मतलब सब्जी वगैरह कुछ बननी नहीं थी, तो इसीलिए हम करने लग गए हैं कपड़ों की तय। हमारे कपड़े बिगड़ गए थे, ऐसे ही पड़े थे, पूरे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, 2-3 दिन बाद ही दोबारा तय करनी पड़ती है, तो इसीलिए मेरे कपड़े जल्दी ख़राब होते हैं। तो मैं कर रही थी इन कपड़ों की तय। तो यहाँ पर हमारे कपड़ों के भी तय बन चुकी है, तो अभी इनको उठाकर रख देंगे। इनको सब सेट करके अभी जाना है बाहर किचन में। और किचन में आज बन रहा था खोवा, क्योंकि आज बनानी थी वो मोदक, और इसीलिए खोवा बन रहा था। और दूध थोड़ा ज़्यादा था तो दो जगह रख दिया था मम्मी ने, तो बस मम्मी वही बना रही थी, वही चला रही थी और दो जगह रख दिया। अभी तो खैर आधा हो गया है, तब बहुत ज़्यादा था। और ये देखिए दिया को, दिया यहाँ छिप रही हैं और बोल रही हैं हमको ढूँढो। तो यहाँ पर खोवा भी बनकर हो गया है तैयार, और छींटे आ रहे थे तो इसीलिए साइड में पेपर बिछा दिया था ताकि पूरी गैस गंदी ना हो। और यहाँ पर ये देखिए दिया भी अपना खेलने में मगन हो रही हैं, यहाँ पर छिप जाती हैं और फिर बोलती हैं कि हमको ढूंढो, तो इनको इनके पास जाते हैं तो फिर वहाँ बड़ी खुश होती हैं। और जब हम लाली को खिला रहे थे तो तब तक मम्मी ने बना दिए थे मोदक। ये देखिए मोदक भी बनकर तैयार हैं, हो गया है गणेश जी का प्रसाद तैयार। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और ये देखिए दिया को कितना गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर ये डब्बा धोकर रख दिया था तो बस उसी पर अपना गुस्सा निकाल रही है, उसको दबा रही है, उसमें से आवाज़ आ रही है तो चिल्ला रही है, पता नहीं क्या कर रही है, इतना गुस्सा कर रही है उसके ऊपर। ये देखिए, और हम वीडियो बनाने लग गए थे तो फिर देखने लग गई थी हमको। और ये एक खेल भूलती हैं तो दूसरा खेल मतलब तैयार रहता है। ये देखिए इनको बॉकर में बैठकर पता नहीं क्या नई चीज़ सीखी है, ऐसे गोल गोल घुमाती हैं और फिर चक्कर आते हैं तो फिर खड़ी हो जाती हैं, और गोल गोल घुमाकर ना ये साइड में भी पूरा ध्यान रखती हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे नहीं देख रहा है, ऐसे नीचे को देखती रहती हैं और फिर मुस्कुराती रहती हैं कि मतलब ये देखिए कैसे देख रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं गणपति विसर्जन में, तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने ये सूट पहन लिया और लाली भी बाहर रेडी है, मम्मी ने पहनी साड़ी, और हम लोग जा रहे हैं नीचे। और मेरा 2 दिन से व्लॉग नहीं आया, इसलिए क्योंकि मेरा ना चैनल ही डिलीट कर दिया था यूट्यूब ने, पता नहीं क्या हुआ था। मैं यूट्यूब चला रही थी उसी टाइम पे, मतलब यूट्यूब चलते चलते बंद हो गया था, फिर उसके बाद मैं चैनल डिलीट कर दिया। मैंने बहुत कोशिश करी, सब कुछ किया, फिर बाद में पता चला कि किसी ने मतलब स्ट्राइक भेज दी थी तो उसकी वजह से हुआ था। तो फिर मैंने उसको मतलब मेल वगैरह किया तो उसने फिर अपनी स्ट्राइक वापस ली, तो मेरा चैनल रिकवर हो गया। तो मैंने फिर कोई वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मेरा चैनल ही डिलीट हो गया था, तो फिर मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं, लेकिन फिर रिकवर हुआ तो मैं आज बना रही हूँ। तो बस ऐसे ही, और पता है मेरे को इतना दुख हुआ, मैंने कहा यार 1000 होने वाले थे, अब जाके मेरा चैनल डिलीट हो गया। इतनी मेहनत हुई, 1.5 साल लग गई मेरे को मतलब 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करने में, तो मैं ऐसे ही मतलब बहुत वो हो गया था। फिर जाके लास्ट में जब रिकवर हो गया ना, ऐसे जान में जान आ गई, मैंने कहा चल ठीक है। तो मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी क्योंकि चैनल डिलीट हो गया था, तो फिर मैंने कहा डालूंगी अब काय पे। पहले मैं सोच रही थी दूसरा चैनल बनाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा वेट करती हूँ। मैंने उसको जिसने स्ट्राइक भेजी थी उसको भी कॉन्टेक्ट किया, सब कुछ किया,
तो उसने फिर लास्ट में बोल दिया कि ठीक है, मतलब उसने अपनी स्ट्राइक वापस ली, तो जाके मेरा चैनल रिकवर हो गया, अभी चल रहा है ठीक से। और बस इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पाई, व्लॉग नहीं आ पाया। एंड आज हमारी बिल्डिंग में जो मतलब गणपति आए थे, 5 दिन के गणपति आए थे, तो आज उनका विसर्जन है। तो बस नीचे जा रहे हैं हम लोग, रेडी हो गई, सूट पहना था, तो चलते हैं पहले नीचे। मम्मी भी रेडी है, लाली भी रेडी है, दीदी गई थी तो दीदी ने नीचे से फ़ोन करके बताया था कि अभी आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा के करीब तो हो गया मेरे को तैयार होते, तो बस चलते हैं नीचे। और अभी हम लोग आ गए हैं नीचे, और नीचे चल रही थी गणपति विसर्जन की तैयारी। बस मतलब सारी तैयारियां हो ही चुकी थी लगभग, बस मूर्तियों को उठाकर बाहर रखना था, आरती करनी थी, तो बस वही तैयारी चल रही थी। और ये देखिए दोस्तों, बाहर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो हम तो यही सोच रहे थे कि लेकर कैसे जाएंगे इतनी बारिश में। तो ये देखिए दोस्तों, दिया की दो चोटी, ये यहाँ पर डांस कर रही थी, हमने कैमरा ऑन किया तो डांस करना बंद कर दिया, और अभी दोबारा करने लगी हैं। और ये देखिए, फिर हमने नीचे इनको उतार दिया था, क्योंकि ये नीचे उतरने के लिए बार बार कर रही थी, तो ये देखिए नीचे उतर कर कैसे डांस कर रही हैं, और बड़ी खुश हो रही थी, म्यूज़िक चल गया तो। और मतलब कहीं पर भी म्यूज़िक चलता है तो दिया एकदम डांस के लिए उतावली हो जाती है, ऐसे डांस करती है। और यहाँ पर हमारी बिल्डिंग में भी किसी ने अपने घर पे गणपति स्थापना करी थी, तो उन गणपति को भी विसर्जन के लिए लेकर आया जा रहा है, और मतलब नीचे ही सबके गणपति इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखिए सबके गणपति भी इकट्ठे हो गए हैं, अब बस इनकी आरती करनी है, और उसके बाद में इनको लेकर जाना है विसर्जन के लिए। तो यहाँ पर आरती भी हो चुकी है, और आज चले जाएंगे गणपति बप्पा। तो यहाँ मतलब गणपति जी को लेकर जा रहे थे, ये देखिए छाते वगैरह लेकर, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो इसीलिए। और पहले तो हमने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर बाद में हमारा मन करने लगा तो फिर चले गए। ये देखिए दिया को कैसे लेके जा रहे हैं, सिर पे रुमाल रखे, क्योंकि अगर सिर भीग जाएगा तो फिर ये बीमार हो जाएंगे, तो इसीलिए सिर पर रख लिया है रुमाल। और ये देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ थी, आज इतने गणपति विसर्जन हुए थे कि इतनी भीड़ थी, तो हम आगे तो गए नहीं थे, बस पार्क में जाकर और टीन सेट के नीचे खड़े हो गए थे, और यहीं से हम देख रहे थे गणपति जी का विसर्जन। तो ये देखिए गणपति जी भी आज विदा हो गए, और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का कर रहे हैं यहीं पर एंड। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइज़।